तापसी पन्नू ने किया पलटवार, कंगना और बहन रंगोली को किया स्लैम। आखिर क्या कहा तापसी ने, आइए जानते हैं। कंगना रनौत नेपोटिज्म पर खुलकर बात करती दिखी रिपब्लिक टीवी को दिए एक इंटरव्यू में, और इसी इंटरव्यू में उन्होंने इसी मुद्दे से जोड़ते हुए तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर का नाम भी घसीट लिया और इन दोनों को बी ग्रेड एक्ट्रेस बोल दिया। कंगना के इस हमले पर तापसी पन्नू ने जबरदस्त पलटवार किया है। दरअसल हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में कंगना ने बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और महेश भट्ट पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अब पलटवार करते हुए तापसी ने कहा, पहली बात तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लुक से मेरी सफलता का कोई लेना देना है। मेरी एक भी फिल्म को इस प्रोड्यूसर्स के गैंग ने प्रोड्यूस नहीं किया है जिनको कंगना टारगेट कर रही है। मैंने कहीं भी ये बात नहीं कही है कि मैं करण जौहर को पसंद करती हूँ या जैसा कंगना आरोप लगा रही है, लेकिन मैंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं किसी से नफरत करती हूँ। मतलब ये है कि अगर वो किसी से नफरत करती है तो आप भी करो, और इसका मतलब ये है कि आप उस आदमी को पसंद करते हो। मैं फॉर्मल हाय हेलो के अलावा उन्हें जानती तक नहीं, तो उनकी बात तर्कसंगत भी कैसे है। कंगना ने तापसी और स्वरा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर उन्हें काम क्यों नहीं मिलता है। इसके जवाब में तापसी ने कहा, मैं पिछले 3 सालों से हर साल कम से कम 4 फिल्में कर रही हूँ और अभी मेरी 5 फिल्मों की घोषणा होने वाली है, तो कौन कहता है कि मेरे पास काम नहीं है। मैं अपने करियर ग्राफ को धीमा और स्थिर रखना चाहती हूँ और ऐसा ही हो रहा है। तापसी ने आगे कहा, मेरी पहले की या आने वाली किसी भी फिल्म को किसी ऐसी माफिया ने प्रोड्यूस नहीं किया है जिसकी चर्चा कंगना करती रहती है, तो फिर कैसे मुझसे नेपोटिज्म जुड़ सकता है। ये तो गलत सोच से किसी के काम को कमतर आंकना हुआ और उसके बाद मजाक उड़ाना कि एक आप ही सच्ची सफल आउटसाइडर है। कंगना पर निशाना साधते हुए तापसी ने कहा, मैं तीखा नहीं बोल सकती, मैं अपने निजी बदले के लिए किसी की मौत का इस्तेमाल नहीं करती और मैं उस इंडस्ट्री का मजाक नहीं उड़ा सकती जिसने मुझे रोजी रोटी और पहचान दी है। मेरे अपने खुद के स्ट्रगल रहे हैं और केवल क्योंकि मैं उनका बखान नहीं कर रही हूँ और उनसे पॉजिटिव तरीके से लड़ी हूँ, ये मुझे किसी भी तरह से कम आउटसाइडर नहीं बनाते। तापसी ने अपने बारे में आगे कहा, हाँ ये सच है कि मुझे भी फिल्मों से निकाला गया और किसी स्टार किड्स से रिप्लेस किया गया, लेकिन सच तो ये है कि कंगना और उनकी बहन मेरी मेहनत को क्रेडिट नहीं देना चाहती। मुझे नाम बताए जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे आरोप लगाए हो जो हरासमेंट से कम नहीं हो, केवल इसीलिए क्योंकि मैं उनकी बांसुरी नहीं बजाना चाहती और मैं उन्हें आउटसाइडर्स का झंडा बरदार मानने से मना कर दिया है। हम सभी लोग इतने तीखे नहीं होते हैं। इंडस्ट्री में अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए तापसी ने कहा, हम सभी के अच्छे और बुरे अनुभव रहे हैं, लेकिन हमने नेगेटिविटी से दूरी बनाकर रखी है। ये हमारी पॉजिटिव उम्मीद और क्षमता ही है जिसके कारण हम आज जहाँ भी है पहुँच सके हैं। मैं इसमें नेगेटिविटी और नफरत को शामिल नहीं करना चाहती, एक इंसान के तौर पर मेरी भी अपनी सीमाएं हैं। कंगना को अपने विचार रखने का अधिकार है और वैसे ही मुझे भी है, और केवल क्योंकि मेरे विचार उनके विचारों से नहीं मिलते हैं इस पर मुझे कमतर नहीं बनाते हैं। वेल, तापसी के इन बयानों पर अभी तक कंगना ने कुछ नहीं कहा है, कि कंगना का इस पर कोई जवाब आएगा ये देखना दिलचस्प होगा। आपका क्या कहना है इस बारे में, आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।